वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 28 नवंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्कूलों में जूनियर स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षा के सुचिता को बनाए रखा जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं तथा नकल माफियाओं को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि 28 नवंबर को जनपद ने प्रथम पाली में 70 केंद्रों तथा द्वितीय पाली में 51 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम पाली में 70 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर के 35,306 तथा सेकेंड पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के 51 केंद्रों पर 25,924 अभ्यर्थी शामिल होने होंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे परीक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। बहुत सारे जगह होता है कि क्वेश्चन पेपर लेकर के भाग जाते हैं, OMR शीट लेकर के भाग जाते हैं, तो थोड़ी ये व्यवस्था रखवाइएगा गेट पे कि इस तरह की बात ना हो, क्योंकि उसका मंदा दिक्कत होती है। तो इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो कॉमन एक्सपीरियंस या पहले के जो हुए हैं, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़े से प्रेसिडेंट्स पहले भी एक नजर डालते हैं कि आपके जनपद में केंद्रों के साथ ही वैसे तो कोशिश की गई है कि ऐसे केंद्र जो डाउटफुल है और सस्पिशियस है या जिनकी कोई भी बुराना एंटीसीडेंट्स है उनको नहीं बनाया गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रखेंगे तो ये सब चीजें आप तक पहुंचेगी। जो एग्जामिनेशन के बाद जो रिपोर्टिंग का है वो JD और AD जो है आयुक्त महोदय को देंगे, आयुक्त के माध्यम से ये शासन को आएगा। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि OMR की 3 प्रतियां हैं, एक कैंडिडेट ले जाएगा और 2 प्रतियां अलग अलग मंडलों के वो जमा हुई। तो मुझे जो पॉइंट्स थे वो ये थे। अब मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगा, इससे पहले कि हम लोग मंडल में देंगे अभी तो ठीक है, उसमें उनकी इश्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है, ओवर टू नामिका। धन्यवाद सर, आपने जो दोनों जीओ को सर्कुलर से उसमें से जो मुख्य बिंदु थे वो सभी के बेनिफिट के लिए हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। अब आई थिंक एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें हम हेडक्वार्टर्स के थ्रू जाना चाहेंगे और सबसे बात करेंगे। आपके कोई भी इश्यूज हो, क्लैरिफिकेशन, तो प्लीज गो अहेड। पहले कल का डेटा है।